गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नाइन्थ क्लास के कुछ वीडियो पहले बने थे, हम सेल्स के बारे में नाइन्थ की बायो पढ़ रहे थे। तो नाइन्थ क्लास की जो बायो वाला पोर्शन है, तो उसके हम पार्ट की बात करें तो उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। नाइन्थ की जो बायो है उसमें एक पार्ट दो पार्ट पहले बना, थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में जो हम इससे पहले वाली थी तो हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इससे पहले हमने सेल थ्योरी पढ़ी है, एक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी पढ़ी है। स्लेडन और स्वान ने जो थ्योरी दी थी सेल थ्योरी, उसके आधार पर जो सेल है वो क्या है। तो सिंपल सा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि एक सेल के जनरली कितने पार्ट होते हैं। तीन ही पार्ट होते हैं, एक उसका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर वाली उसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेंटर में उसमें क्या है, उसका न्यूक्लियस है, और शेष बचा जितना भी पार्ट है वो उसका साइटोप्लाज्म है। ये आपको याद रखना है। तो साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, तो इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ रहे थे कि कौन सी किस भाग से बनी हुई है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डीप पढ़ना चाह रहे थे, तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, आपको याद है। तो उसी सेल मेम्ब्रेन को मैं यहाँ टॉपिक बना लेता हूँ और उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या नाम था इसका, सेल मेम्ब्रेन को दूसरा किस नाम से पुकार सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको आप कह सकते हो, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। पहली बात तो है कि प्लाज्मा झिल्ली के फंक्शन हम पढ़ रहे थे कि किससे बनी होती है, तो आपको याद रखना है जिंदगी भर ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किस किस की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आप इन दोनों शब्दों को यदि मिक्सअप करना चाहते हैं तो कॉमन नाम ले सकते हो लिपोप्रोटीन, ये आपको याद रखना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय द लिपोप्रोटीन्स, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसका केमिकल कंपोजिशन है, इसके कुछ नाम मैंने आपको और बताए थे, इसको क्या बोल सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, चयनात्मक झिल्ली भी कह सकते हैं इसको, पारगम्य झिल्ली भी कह सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो इसकी परमिएबिलिटी के आधार पर भी ये तीन प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं। यदि हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल्स की, वो हमेशा सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। भाई इसको अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा, तो यहाँ पर ये पारगम्य जो शब्द है ना वो क्या दर्शा रहा है, पारगम्य शब्द का मतलब होता है आर पार होना। तो अर्धपारगम्य क्यों कहा, तो इसके आधार पर मेम्ब्रेन भी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपारगम्य, अपारगम्य, और एक अर्धपारगम्य होगी, और एक होती है जो सारे की सारी चीज़ों को अपने अंदर से जिसम, मतलब उसको कह सकते हैं कि सपारगम्य है वो। तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो सेमी मेम्ब्रेबल है, परमिएबल है। तो सेल मेम्ब्रेन हमेशा क्या होती है, आपको याद रखना, सेल मेम्ब्रेन हमेशा क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। वो उन चीज़ों को अंदर से जाने देती है जो उसके लिए लायक है, जैसे कि वाटर है, वाटर को जाने देती, अन्य चीज़ों को नहीं जाने देती। तो विलयन क्या है, कौन से विलयन को अपने अंदर से जाने देगी, तो विलयन को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। यानी ये तो आपका हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सोल्यूट, और ये दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं तो क्या बना कर देंगे आपको, सोल्यूशन बना कर देंगे, विलयन बना कर देंगे। सोल्यूशन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के, अब केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो जनरली जैसे कि आपके पास, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि विलायक और विलेय क्या है और विलयन कैसा होता है, तो मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आपके पास में एक पानी का एक गिलास है, खाली गिलास है, इसको आपने इतना पानी से भर रखा है, इसमें तीन या चार जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, वो आपने चीनी के डाल दिए या नमक के डाल दिए और इसको मिक्सअप कर लिया, तो जो गिलास के अंदर है वो सोल्यूशन है, वो विलयन है। तो यहाँ पर वो वाटर जो है वो पानी है, वो क्या है, वो पानी विलायक है, और जो चीनी या नमक के दाने आपने डाले हैं वो क्या है, वो विलेय हैं। तो दोनों का मिक्सअप हो गया, वो क्या हो गया, विलयन हो गया। आई बात समझ में आपके, कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। याद रखा, विलायक की जो कंसिस्टेंसी वो हमेशा हाई होती है, विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है और विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है। ऐसा तो नहीं कि चीनी से, पानी से ज़्यादा चीनी हो जाएगी गिलास के अंदर, नहीं, चीनी की जो मात्रा है पानी से हमेशा कम रहेगी, तभी तो मिक्सअप होगा वो। तो विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, दोनों मिल जाते हैं, विलयन बन जाता है। तो इसको
सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली विलायक को तो जाने देती है अपने अंदर से, लेकिन विलेय को नहीं जाने देती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है विलायक के अणुओं को अपने अंदर से जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती, यानी कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही अपने अंदर से जाने देती है, इसलिए इसको चयनात्मक भी कहते हैं, यानी चयन करती है कि किसको जाने दूंगी और किसको नहीं जाने दूंगी। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कह सकते हो, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कह सकते हो, जो कि किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम वापस पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन है किसी चीज़ को अंदर ग्रहण करती है तो कैसी प्रक्रिया है, वो उसको बाहर जाने देती है तो कैसी प्रक्रिया है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए सेल क्या करती है, कोई भी जो सेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी विलायक को ग्रहण कर लेती है, ग्रहण करता है, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अमीबा को ले लेते हैं, ये क्या है, हमने अमीबा ले लिया। अमीबा क्या करता है, सिंगल सेल वाला एक प्राणी है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोवन कह सकते हो आप इसको अमीबा को। तो अमीबा क्या करेगा, सारे के सारे फंक्शन अमीबा को करने पड़ेंगे, जैसे कि अमीबा को क्या करनी है, CO2 बाहर निकालनी है तो O2 को क्या करना पड़ेगा, अंदर भी लेना पड़ेगा, इसको वाटर भी चाहिए तो ये वाटर भी अंदर लेगा, और यदि एक्स्ट्रा वाटर है तो उसको क्या कर देगा, ये बाहर भी निकालेगा। तो ये कौन सा काम करेगा, अंदर का जो पानी है वो बाहर निकालना है या बाहर का अंदर लाना है, तो ये मेम्ब्रेन ही तो करेगी ना, ये इसकी जो झिल्ली है यही तो काम करेगी। ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं, ये मेम्ब्रेन के हैं। तो CO2 को अंदर या बाहर करना, वाटर को अंदर या बाहर करना, ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हैं, मेम्ब्रेन के हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन द्वारा, सेल द्वारा यदि किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, याद रखना ये। और इसके ठीक उल्टा शब्द होगा जिसको अपन कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये दो टर्म है। तो किसी भी चीज़ को हम बाहर निकालना वो क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस, और अंदर ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना किसी भी बाहरी आउटर जो सॉल्यूशन है उसको, ये कहलाता है एंडोसाइटोसिस। खैर यदि बात अमीबा की करें तो इसमें एंडोसाइटोसिस को या दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा इसके अंदर पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। इन दोनों शब्दों को अच्छे से याद करेंगे। अमीबा है तो अमीबा को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है, तो भोजन तो ठोस होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और मेम्ब्रेन की क्या कहानी है, मेम्ब्रेन क्या करती है, ये इसमें बहुत सारे प्रकार के ऐसे मूवमेंट होते हैं अमीबा के अंदर जिसके कारण ये भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो भी तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही आएगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो क्या करती है, वाटर को अंदर लेती है, वो भोजन के पार्टिकल्स को अंदर ले ही नहीं पाती, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिससे अपने आकार को बदल लेता है और एक कैविटी बना लेता है। उस कैविटी में भोजन के पार्टिकल्स को अंदर ले लेता है, फिर वहाँ से सेल मेम्ब्रेन ब्रोकआउट होती है और सारे के सारे भोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं। ये जब अमीबा पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे डिटेल से, फिलहाल हम इन दो शब्दों का अर्थ जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को अंदर ग्रहण करने की जो प्रोसीजर है उसको क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यदि कोई भी सेल या सेल मेम्ब्रेन तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है तो ये प्रोसीजर क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस। यदि वो सॉलिड पार्टिकल लेती है, ठोस पदार्थों को अंदर लेती है, तब आप उसे क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस के फिर दो पार्ट्स हो गए, फर्दर डिवाइड करेंगे तो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। यदि कोई सेल या सेल मेम्ब्रेन तरल पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है, ये क्या कहलाएगा, ये पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। यदि ठोस पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है वो क्या कहलाएगा, फेगोसाइटोसिस। तो ये दो टर्म एंडोसाइटोसिस के प्रकार हैं फर्दर टाइप में। तो ये चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा नोट करना, इससे आगे फिर अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं।
चलिए आगे इस पर ध्यान देते हैं। अब ये एक चीज़ आपको देखने वाली है कि क्या होगा ऐसा कि CO2 बाहर निकलेगी, और ऐसी कौन सी प्रोसीजर होगी कि ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो यहाँ पर क्या एक डिफरेंस डेवलप होगा, बाहर यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है अंदर कम है तो ही अंदर आ पाएगी। अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और बाहर लो होगी, तब जाकर ये प्रोसीजर होगा। तो ऐसा ही वाटर में होगा, यदि वाटर अंदर ज़्यादा है तो फिर बाहर आएगा, यदि वाटर बाहर ज़्यादा है तो फिर वो अंदर आएगा। तो कोई चीज़ अपनी हाई कंसिस्टेंसी से लो की ओर चलती है, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर है वो मूवमेंट करती है। तो किसी भी चीज़ का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना क्या है, यानी कौन सी ऐसी विधि होगी, कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसके द्वारा ये चेंजेज होते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, डिफ्यूजन। इसको क्या कहेंगे, इसको विसरण कहते हैं। एक नाम यहाँ पर और होगा, ओस्मोसिस, जिसको अपन क्या कहेंगे, परासरण। ये दो ऐसे टर्म हैं जिसके द्वारा ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो अप्लाई होंगे। CO2 का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आना या जाना, वाटर का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, ये डिपेंड करेगा इन दो टर्म पर। तो इसलिए इसको यदि ढंग से समझना है तो हमें इन दो टर्म को पहले अच्छे से समझना होगा कि कैसे विसरण होगा और कैसे परासरण होगा। तो विसरण और परासरण को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ और फिर अपन विसरण को समझते हैं, डिफ्यूजन को समझेंगे कि विसरण क्या है। अब ये जो विसरण है इसको समझना कि विसरण क्या है। देखो विसरण एक प्रकार का पैसिव मोमेंट है, ये आपको याद रखना है, पैसिव मोमेंट एक निष्क्रिय प्रवाह है यूं कह सकते हैं डिफ्यूजन का। तो किसी भी चीज़ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना डिफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, जैसे कि एक ट्यूब है, एक यू शेप की आपने ट्यूब ले रखी है। इस यू शेप की ट्यूब में आपने क्या किया, यहाँ तक इसमें वाटर भरा हुआ है, बीच में से आपने इसमें ब्लॉकेज लगा दिया, कोई भी एक मेथड से आपने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया बीच में से, और इसमें पानी देखो यहाँ तक भरा हुआ है, और इधर पानी यहाँ तक है, और इसमें इधर है, ये इसका ए पोर्शन है और ये इसका बी पोर्शन है। ये बात आ रही है आपको समझ में। एक एग्जांपल तो यहाँ से ये लेता हूँ, फिर दोनों को समझते हैं। एक यहाँ पर बोल है, मेटल, किसी भी मेटल की बनी हुई एक बोल है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक इसके पास में दूसरी बोल है उतनी ही बड़ी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्या है, हॉट है, और ये क्या है, कोल्ड। अब देखिए ये जो आपने यू शेप की ट्यूब ले रखी है, एक ग्लास की ट्यूब है, इसमें यहाँ तक पानी भर रखा है, इधर वाली ट्यूब में केवल यहाँ तक पानी है और बीच में ब्लॉकेज है। क्या होगा यदि आप इस ब्लॉकेज को यहाँ से हटा दोगे, तो वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ से होगा, ए से बी की ओर होगा या बी से ए की ओर होगा। सभी बच्चे कहेंगे सर बेसिकली बात है कि वाटर ए से बी की ओर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, वाटर कहाँ से जाएगा, ए से बी की ओर। कब तक जाएगा, जब तक दोनों ट्यूब में वाटर का लेवल इक्वल नहीं हो जाए, वो एक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, साम्य अवस्था में नहीं आ जाए, तो क्या कंडीशन होगी, इसमें यहाँ तक पानी रहेगा और इसमें यहाँ तक पानी रहेगा, यदि इस बीच वाले ब्लॉकेज को तोड़ देते हैं तो। ऐसा क्यों हुआ, सबको पता है कि ए से बी की ओर वाटर का मूवमेंट होगा, इधर से उधर की ओर जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों एक दूसरे के इक्वल न हो जाए। ठीक यही एग्जाम्पल यहाँ पर, एक गेंद है मेटल की बनी हुई, धातु की बनी हुई, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बहुत गर्म है, दूसरी बिल्कुल ठंडी है, दोनों एक दूसरे के टच में है, पास पास टच में है। क्या होगा, एक घंटे के बाद में देखेंगे तो ये कहेंगे सर ये गर्म है, ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ठंडी वाली गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हीट का ट्रांसफ़र इस ए से किसकी ओर होगा, ए से बी की ओर हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो इतनी गर्म है, धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, दोनों का टेम्परेचर एक टाइम ऐसा आएगा दोनों को क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों हुआ, यहां देखिए, यहां पानी वाटर ज्यादा था, यहां वाटर कम था, तो वाटर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता, मूवमेंट करता, कब तक, जब तक कि दोनों इक्वल न हो जाएं। तो यही है ना, किसी भी चीज का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, मूवमेंट करना, यही तो डिफ्यूजन है। यहां पर क्या है, हीट का ट्रांसफर होगा, यहां से हीट निकलेगी, वो ए से बी की ओर हीट जाएगी, तो हीट का ट्रांसफर अधिक से कम क्यों हो रहा है, ये भी डिफ्यूजन है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं,
जब आप घर में गैस चूल्हा जलाते हो तो गैस का वाल्व खोलते हो तो गैस बाहर क्यों आती है भाई? उसका एक रीज़न है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर है वो गैस पर प्रेशर ज़्यादा है और सिलेंडर के बाहर गैस पर प्रेशर कम है, तो गैस हाई प्रेशर से कहाँ आएगा? लो प्रेशर की ओर, इसलिए गैस बाहर निकल आता है। नल है, नल को चलाते हो आप तो नल में पानी भरा हुआ है, नल को खोलते ही पानी नीचे क्यों आता है? क्योंकि नल के अंदर वाटर पर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूवमेंट करेगा वाटर। तो किसी भी चीज़ का या किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करना ये क्या कहलाता है? ये डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन याद रखना, डिफ्यूजन में किसी प्रकार का कोई भी एनर्जी नहीं लगती, इसमें ऊर्जा नहीं लगती, और जिसमें ऊर्जा लगेगी आप उसे क्या कहेंगे? वो एक्टिव मूवमेंट हो जाएगा। तो मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव मूवमेंट और दूसरा क्या है? पैसिव मूवमेंट है। पैसिव मूवमेंट में किसी प्रकार की एनर्जी और प्रेशर नहीं लगता है, ऊर्जा उसमें नहीं लगती है, बाहर से ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली होती है। जैसे कि वाटर हाई से लो की ओर जा रहा है, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं लगाया हमने, यहाँ पर भी हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अधिक से कम की ओर मूवमेंट हो रहा है ना। तो बिना किसी एनर्जी के यदि कोई चीज़ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करती है तो ऐसे मूवमेंट को पैसिव मूवमेंट कहते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसी प्रोसीजर के तहत क्या होती है, सेल्स के अंदर पानी अंदर आता है या बाहर आता है? जैसे कि अमीबा है, बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, तो बाहर से अंदर की ओर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन बीच में काम करेगी, तो यदि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती और फिर यदि काम होता है ये अधिक से कम की ओर, तो डिफ्यूजन है। और यदि यही विधि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है तब आप कह देते हैं कि ये प्रोसीजर आपका क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। बट उसमें एनर्जी लगती है तो फिर क्या हो जाएगा? एक्टिव मूवमेंट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि विसरण क्या है। आई बात समझ में? इसी से जैसे कि किशमिश का फूलना है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो डिफ्यूजन आपको समझ में आना चाहिए कि विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है। विसरण की क्रिया के द्वारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जो प्रोसीजर है वो डिफ्यूजन के द्वारा हो रहे हैं। तो यहाँ वाली जो ब्लॉकेज को तोड़ोगे ना, वाटर का लेवल दोनों में इक्वल हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? डिफ्यूजन है, वो विसरण को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक पैसिव होता है और दूसरा एक्टिव। तो यहाँ वाली जो प्रोसीजर है, यहाँ पर कैसा मूवमेंट है? यहाँ वाला पैसिव मूवमेंट है जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लग रही है, प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से जब आपने ब्लॉकेज को तोड़ा तो वाटर दोनों में क्या हो गया? इक्वल हो गया। यहाँ से भी देखो किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लगी है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? पैसिव मूवमेंट है। तो इस प्रकार से सेल्स के अंदर वाटर, जैसे कि CO2 की कंसिस्टेंसी एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो बाहर CO2 की मात्रा ज़्यादा है और सेल्स के अंदर CO2 की मात्रा कम है, ऐसी कंडीशन में CO2 बाहर से अंदर आएगी। और यदि बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसिस्टेंसी हाई है तो बाहर निकल जाएगी। तो किसी भी पदार्थ से अधिक सांद्रता वाले पदार्थ का कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करना, यही तो डिफ्यूजन है। और कोई भी सेल मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे कार्य इसी को करती है। सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा कार्य है कि पास वाली सेल से कुछ चीज़ों को ले लेना। तो उसी प्रकार से आप ये समझ पाएंगे डिफ्यूजन क्या है। तो ये एक डिफ्यूजन का पोर्शन हो गया। इसी डिफ्यूजन के कारण ही या विसरण के कारण ही सेल्स क्या करती है? एंडोसाइटोसिस। यदि सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो फेगोसाइटोसिस, और लिक्विड पार्टिकल्स हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ये पिनोसाइटोसिस कहलाएंगे। चलिए आप इसको उतार लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर अब पढ़ते हैं ऑस्मोसिस, परासरण क्या है। वास्तव में परासरण एक प्रकार का विसरण ही है, लेकिन ये होता किसके द्वारा है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो परासरण विसरण प्रक्रिया ही है, इसका दूसरा नाम है। परासरण विसरण ही है, लेकिन विसरण में क्या था? उसमें किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण ही परासरण होता है।
या कहलाता है। मेम्ब्रेन के द्वारा होगा यहाँ पर बेसिकली, क्या कोई एक एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है कि मेम्ब्रेन के द्वारा है वो वाटर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि प्लांट की जो रूट है वो कहाँ होती है, अंडरग्राउंड होती है। प्लांट्स की रूट कहाँ होती है, अंडरग्राउंड होती है। और प्लांट है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ से करता है, वो भी अंडरग्राउंड करता है। जब बरसात होती है तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो सोइल पार्टिकल्स को क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अब नीचे पानी ज़्यादा है और प्लांट्स की जड़ों में पानी कम है, अब ये वाला जो पानी है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ऐसे मूवमेंट में क्या होगा, जैसे कि प्लांट की रूट है, इसके ऊपर उसके क्या लगे हैं, कुछ इसके मूल रोम लगे हैं। तो मूल रोम जो पतली पतली जड़ें होती हैं वो वाटर के अंदर चली जाती हैं। एक बात याद रखना, पानी बाहर होता है वो अलग वाटर है, जो पानी मिट्टी के कणों के बीच में रहता है ऐसे पानी को कैपिलरी वाटर कहते हैं। बाहर पानी है वो अलग प्रकार का है, लेकिन जो पानी मिट्टी के कणों के बीच में रहता है ऐसे पानी को कैपिलरी वाटर कहते हैं अपन। केसी का जल, मृदा के कणों के बीच में पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, केसी का जल। बहुत प्रकार का जल होता है, एक वीडियो में आगे पढ़ेंगे, लेकिन वह पानी जो प्लांट की जड़ों को अवेलेबल होता है ऐसे ही पानी को कैपिलरी वाटर कहते हैं। वैसे तो इसमें ग्रेविटेशनल वाटर भी होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी होता है, बट ऐसा जल जो प्लांट को आसानी से अवेलेबल हो पाता है वो कौन सा है, केसी का जल, कैपिलरी वाटर। तो अब देखो पानी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, ये चलो पानी की एक बूंद मान ली, और ये यहाँ पर क्या है, जड़ है। तो जड़ की यहाँ पर भी सेल है ना, कोशिका है बाहर वाली, इस कोशिका की ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इस पानी की बूंद को अंदर आना है तो किसके थ्रू आएगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अंदर पानी यदि फुल है तो फिर पानी नहीं लेगी ये। यदि प्लांट को पानी पहले से फुल मिल रहा है, पानी की कंसिस्टेंसी हाई है, तो ये इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इस पानी को अब्जॉर्ब कब करेगी, जब सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, तब अधिक मात्रा से कम मात्रा की और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पानी मूवमेंट करेगा। तो लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन काम कर रही है, तो मेम्ब्रेन के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक का मूवमेंट करना क्या कहलाता है, प्रसरण। तो एक क्या कह सकते हैं, जो रूट है ना उसको मूल कहते हैं, तो मूल द्वारा जल का अवशोषण विसरण है कि प्रसरण है, विसरण है या प्रसरण है, ये प्रसरण है। आई बात समझ में, यानी किसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा या अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा यदि कोई डिफ्यूजन होता है तो ऐसे डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, तो याद रखना ये। अच्छा, सेकंड पोजीशन यदि हम बात करें, वाटर से भरे एक बीकर के अंदर आप क्या रख रहे हैं, किशमिश रख रहे हैं, किशमिश फूल जाएगी। वाटर के अंदर किशमिश रखोगे तो किशमिश फूल क्यों जाती है, उसका क्या कारण है, क्योंकि किशमिश की जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर थोड़ा पानी है, और किशमिश के बाहर पानी पात्र में क्या है, ज़्यादा है, तो पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और ऐसे प्रेशर को हम टर्जिड प्रेशर कहते हैं, टीपी कहते हैं, वो बाद की बात है, फिर पढ़ते हैं। तो किशमिश का फूल जाना क्या, किसका एग्जाम्पल है, एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में, तो वाटर इस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है। यहाँ देखो प्लांट की लीफ में पानी कम है, पानी ऊपर इतना क्यों चढ़ जाता है, बहुत सारे प्लांट होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टिस जिसको क्या कहते हैं, लोकल नाम इसका सफ़ेदा है, बहुत बड़ा प्लांट है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उतनी लेंथ में पानी तो वैसे मोटर की सहायता से, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो मोटर लगानी पड़ती है कई HP की, तब पानी ऊपर जाता है। इतने लंबे लंबे प्लांटों में ऐसी कौन सी मोटर लगी रहती है कि पानी इतना ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा, वहाँ पर ऑस्मोसिस होगा, वहाँ पर डिफ्यूजन होगा, क्योंकि उसके तहत पानी नीचे ज़्यादा है, फिर पानी धीरे ऊपर, ऊपर सबसे कम है, तो अधिक से कम की ओर पानी मूवमेंट करता है। और अधिक से कम यानी अंडरग्राउंड से वाटर है वो प्लांट के ऊपरी छोर तक पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं, असेंट ऑफ सैप, रसारोहण। ये टर्म याद रखना, असेंट ऑफ सैप, रसारोहण कहते हैं इसे। ये भी आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर के रसारोहण कैसे फंक्शंस करता है। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हमें यह देखना था कि सेल मेम्ब्रेन क्या है,
उसकी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी उसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली क्या है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, उसके कार्य क्या है, वो किसकी बनी होती है, कैसे उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, कैसे जल का आदान प्रदान होता है। तो हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना था, क्योंकि एक सेल के कितने भाग होते हैं, तीन। ये उसकी कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में इसका क्या होता है, केंद्रक न्यूक्लियस, और बाद में बचा सारा का सारा भाग क्या है, साइटोप्लाज्म। तो हम कोशिका की संरचना पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहला हमने पार्ट लिया था कोशिका झिल्ली। तो हमने कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, क्या करती है, क्या सारे फंक्शंस रहते हैं, वो पढ़ लिया। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं सेल वाल या बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, अदर जो इसके पार्ट हैं वो पढ़ेंगे। तो आप सेल मेम्ब्रेन को ना ढंग से पढ़ेंगे, इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, अगले वीडियो में उसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।